सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉइड गेमिंग चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए। इससे क्या होगा कि मेरी जब भी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में आएगी और आप उसे क्लिक करके आराम से देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है चिनेश और दोस्तों इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे GTA San Andreas गेम के मूविंग कैमरा के बारे में। तो आपको जो एक मैं मूविंग कैमरा का मोड दे रहा हूँ, आप इस मोड को, इस कैमरे को आप जहाँ ले जाना चाहो वहाँ ले जाके आप पिक्स ले सकते हो। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैं कितना दूर लेके आ चुका हूँ उस कैमरे को, फिर भी आराम से जो है गेम हैंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और इस वीडियो को पूरी देखिएगा। और तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ उस मोड को कैसे अपने फ़ोन में अपनी गेम में इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको अपना जेडर चेयर ओपन कर देना है। उसके बाद आप वो फोल्डर ओपन करें जहाँ आपने मोड को डाउनलोड किया हुआ है। आपको एक फाइल मिलेगी फ्री मूविंग कैमरा एंड्रॉइड गेमिंग के नाम से, उस पर आपको क्लिक कर देना है और एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है। पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। पासवर्ड होगा कैपिटल लेटर्स में MODS स्पेस SA स्पेस स्मॉल लेटर बाय स्पेस कैपिटल A स्मॉल NDROID स्पेस स्मॉल लेटर GAMING डन एंड ओके। फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको एक फोल्डर मिलेगा फ्री मूविंग कैमरा के नाम से, उस पर आपको जाना है। और एक CSA फाइल मिलेगी, उस पर आपको लॉन्ग प्रेस कर देना है और कॉपी कर देना है। फिर आने डिवाइस मेमोरी में एंड्रॉइड फोल्डर में डाटा फोल्डर में और वो फोल्डर आज से सर्च कर लीजिए com.rockstar.gta/GTA San Andreas का जो फोल्डर है ये रहा, उसके अंदर जाना है और फाइल्स में नहीं जाना है, हमको यहाँ पर ही पेस्ट कर देना है। और आप जैसे ये करते हो तो उसके बाद आपको अपना गेम ओपन करना है। आप देख सकते हैं गेम स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको जो है न्यू गेम करके बता देता हूँ प्रूफ के लिए। आप देख सकते हैं गेम स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैमरा को जो है कैसे ऑन करना है। तो कैमरा ऑन करने के लिए आपको नीचे ऑप्शन आ रहा होगा एक्सिट का, उस पर आपको दो बार क्लिक कर देना है 1-2। आप जैसे ही करते हैं जो आपके सामने के कैमरा ऑन हो जाएगा, ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो आप मतलब कि आप जैसा लेना चाहो कैमरा को वैसा ले सकते हो, ऊपर नीचे जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। और आप जैसे कि बाहर आना चाहो तो बाहर भी आ सकते हो। जैसे देख सकते हैं हम कितना दूर आ चुके हैं कैमरे से, मतलब सीजे से। आप ऐसे ही के मतलब पूरा स्लो मोशन हो चुका है ये सब, ऊपर नीचे आप जैसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो। जैसे कि इधर दिख रहे हो नीचे करने के लिए, ये ऐसे नीचे और उसे ऊपर कर सकते हो। और ऐसे आपको जूम करना हो तो ऐसे कर सकते हो, नीचे लाना हो तो ऐसे कर सकते हो। तो अब आपको कैमरा तो ऑन करना आगे होगा। और आपको अगर आपको पिक्स लेनी हो, पिक्स लेने के लिए क्या करना होगा, अगर जैसे कि मान लो अभी इसका पिक्स लेनी है मेरे को, तो मैं इसकी एक जो है पिक्चर ले लेता हूँ। तो पिक्चर लेने के लिए आपको ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा एरो का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और अभी जैसे ही करते हो तो ये एकदम मतलब कि सब कंट्रोल सब हिडन हो जाएंगे। और अगर ये स्क्रीनशॉट आपका हो जाएगा, अगर आपकी पिक्स कोई कोई फ़ोन में सेव नहीं होती इस गेम की, तो अगर सेव नहीं होती तो आपको करना क्या होगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस तरह से, जैसे मैं ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीनशॉट लिया था अभी इसका, तो ये स्क्रीनशॉट जो है ऐसे ही मेरी गैलरी में सेव हो चुका है। तो इस तरह से आप जो है पिक्स ले सकते हो बड़ी इजीली। और अगर आपको इस कैमरे को ऑफ़ करना हो तो ऑफ़ करने के लिए आपको जो है बीच में क्लिक कर देना है गेम के बीच में इधर। आप जैसे क्लिक करते हो तो आपको जो है सीजे जो इधर आप गेम में आ जाओगे और ये ऐसा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमने वीडियो में कैसे जो है कैमरे को ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया। तो गाइज आप भी इस तरह से इसे कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।